हे एवरीवन, अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर अपनी जो वेबसाइट का फ्रंट एंड लेआउट है, यानी कि उसको ब्लॉग से हम एक प्रॉपर वेबसाइट पे बनाने पे फोकस करेंगे। अब मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट लुक देने का तरीका बताऊंगा। उस सब के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि मैं एक न्यू पेज क्रिएट करूँ, न्यू, और यहाँ पे जाके पेज बनाया, पेज को जो कि मेरा लैंडिंग पेज होगा, जो कि मैं चाहता हूँ जब मेरी कोई भी वेबसाइट मेरी एक्सेस करे तो ये पेज अपियर हो। तो मैं लिख देता हूँ वेलकम टू फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, GRAPHY, फोटोग्राफी। और इधर मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, जो है लाइक हे दिस इज अ फोटोग्राफी वेबसाइट, यू कैन गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन अबाउट दी फोटोग्राफी हेयर। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इमेज ऐड करने का तरीका, ऐड मीडिया, यहाँ पर मैं यही वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू पेज, यहाँ पर मैंने इसको इसको सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल ई, इसको हम थोड़ा सा सेंट्रल कर देते हैं, सेंटर में आ गया। और इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और मैंने इसको पब्लिश किया और इस व्यू पेज पे गए हम। हमारे जो अब मेरा जो है वेलकम नोट यही है, वेलकम टू फोटोग्राफी, और ये सारा आ गया। लेकिन एक चीज़ जो आप नोट की कि हमारा जो ब्लॉग का पेज था, यानी कि जो हम पोस्ट लिख रहे थे, वो कहाँ गई। अब उसको एक्सेस करने का तरीका जो हम लोगों को वर्डप्रेस देता है, वो है ये कि मैं दोबारा अपनी जो है, यानी कि ये वाली जो हमारी फोटोग्राफी का जो कंप्लीट कंटेंट था, ये अभी मिसिंग है, या जिनके जो ब्लॉग है ये मिसिंग है, अब इसको ऐड करना है हम लोगों ने। इसका तरीका ये है कि मैं वापस डैशबोर्ड पे चलूं, बल्कि नहीं, एक नया पेज बनाऊं। एक नया पेज मैंने बनाया और इस पेज को मैंने लेने देना नाम ब्लॉग का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोई कंटेंट नहीं लिखना, क्योंकि जो हमारा दूसरा ऑलरेडी पोस्ट में जो कंटेंट है, व्हाई वी टेक पिक्चर्स वाला, वो इसके अंदर हमने ऐड करना है। तो पहले मैंने ब्लॉग का पेज बनाया और उसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब ये ब्लॉग का पेज पब्लिश हो गया, और उसके बाद हम ब्लॉग का पेज जो है वो पब्लिश हम लोगों ने कर दिया। अब ब्लॉग के अंदर उस कॉन्टेंट को ऐड करने का तरीका ये है कि मैं अपना जो है कस्टमाइजर ओपन करूँ। कस्टमाइजर ओपन करने का तरीका आपको पता ही है, विजिट साइट पे क्लिक किया, मैं विजिट साइट को ओपन करता हूँ, यहाँ से मैंने कस्टमाइज इसको कर दिया, यानी कि कस्टमाइजिंग। और कस्टमाइज करने के बाद हम लोग चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे एक पेज है स्टैटिक फ्रंट पेज का। स्टैटिक फ्रंट पेज पे क्लिक किया उसने, योर स्टैटिक पेज, और स्टैटिक पेज पे फ्रंट पेज जो है हमारा, जो अभी मैंने बताया था वेलकम टू फोटोग्राफी का, उसको मैंने फ्रंट एंड पेज कर दिया। और पोस्ट पेज की जगह मैं क्या करता हूँ, जो अभी हमने ब्लॉग का पेज बनाया उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉग का पेज बनाया, अब इसके बाद मैं इसको सेव एंड पब्लिश कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अब क्या है, मैं दोबारा अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ, ये नई वेबसाइट विजिट हुई। अब आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि जो मैंने वेलकम टू ब्लॉग का, जो ब्लॉग का हमारा पेज था, वो हाइड हो गया, लेकिन उसको अभी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पेज जो है हमारा वो चेंज हो गया। अब उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, उसका एक्सेस करने का तरीका फिर से वही कि हम इसके अंदर इसको, सॉरी, इसको कस्टमाइज, मैं इसको दोबारा से रीओपन करता हूँ। इसका हमने कस्टमाइजर ओपन किया और यहाँ पे मेन्यूज में गए, मैं मेन्यूज में जाता हूँ, ऐड अ मेन्यू, सॉरी, इधर हम ऐड मेन्यू में चलते हैं, बल्कि नहीं, ऐड अ मेन्यू में नहीं, हम लोग, सॉरी, इसको मैं जो है इसका फुल फ्लेज व्यू जो है मेन्यू का वो ओपन करता हूँ। मैं इसको पहले डैशबोर्ड में चलता हूँ, मेन्यूज में, हम यहाँ से अपीयरेंस से मेन्यूज में चलते हैं, और मेन्यूज में मैं क्या, तो मेन्यूज में हमारा जो पहले का ही जो मेन्यू था वो पड़ा हुआ था, लेफ्ट मेन्यू। लेफ्ट मेन्यू की जगह मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा यहाँ से हमारे पास, सॉरी, सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं टॉप मेन्यू को जाता हूँ। टॉप मेन्यू में यहाँ से ब्लॉक को क्लिक किया और उसके बाद मैंने नीचे ऐड टू मेन्यू क्लिक किया, तो मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन जो है टॉप मेन्यू में आ गया है। और इसको मैंने सेव मेन्यू किया, सेव मेन्यू पर क्लिक किया, और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ। अपनी वेबसाइट पर विजिट पे हम गए, और अब आप लोगों के सामने है कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे ब्लॉक का ऑप्शन आ गया। मैं ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा प्रॉपर जो ब्लॉक का
जो कंप्लीट ब्लॉग हमने लिखा था ये उसका सारा आ गया। ब्लॉग के अंदर गैजेट्स की वीडियो का लिंक भी है, कंटिन्यू रीडिंग करूंगा तो कंप्लीट का कंप्लीट ब्लॉग खुल जाएगा विद कंप्लीट कमेंट्स वगैरह। सो इस तरीके से आप अपना ब्लॉग जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ से अगर अपने सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, और इसके बाद मैंने टॉप मेन्यू सेलेक्ट किया क्योंकि मैं ब्लॉग के ऊपर लाना चाहता था। यहाँ पर जो है मैं इस ब्लॉग को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ और इसको अगेन सेव मेन्यू करता हूँ। तो अब मैं इसको अगेन फर्दर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप पर इधर मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा, यानी कि ब्लॉग का ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। ये वेबसाइट लोड हो रही है सिंथ और यहाँ पर आपके सामने ब्लॉग का ऑप्शन अपीयर हो गया। सो इस तरीके से आप अपना जो है स्टैटिक पोस्ट से, सॉरी पोस्ट से स्टैटिक पेज पर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।